बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है। वहां कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की थी, जिसके बाद आतंकवादियों की तरफ से जवानों पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद सुरक्षा बल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। अभी सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। रिफत, यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है, दो आतंकवादी मारे गए हैं, और कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं? देखिए जसप्रीत, मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है ये यारवन का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, और शायद वहाँ पे आर्मी को पता चला होगा कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। कॉर्डन रात के दौरान ही किया गया और मुख्तसर सी गन फाइट हुई, वहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ रात को ही तकरीबन 2 बजे के करीब, और अभी जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं उस गन फाइट में, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है, सर्चेज कंटिन्यू है, और ये पूरा जो एरिया है उसकी घेराबंदी की है आर्मी ने, और जंगली एरिया में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, पैरा कमांडोज भी वहाँ पे हैं, तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि अभी कितने मिलिटेंट और हो सकते हैं, और साथ ही इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में जब भी ऑपरेशन चलता है तो काफी टाइम उसमें लग जाता है, लेकिन अभी 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। रिफत, आप नजर बना रखिए, अपडेट आपसे लेंगे फिलहाल, शुक्रिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, हालांकि उन्होंने आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है। अमेठी दौरे पर गई प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो कांग्रेस महासचिव ने साफ साफ कहा कि उन्होंने अभी तक कुछ तय नहीं किया है, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता संगठन का काम करना है। प्रियंका गांधी आज रायबरेली के दौरे पर जा रही हैं, जबकि 29 मार्च को उनका अयोध्या जाने का कार्यक्रम भी है। अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। खुद मेरी इच्छा है कि मैं पार्टी के लिए काम करूं, क्योंकि बहुत संगठन का बहुत काम है। दोपहर 12:24 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक संदेश देने के लिए टीवी और सोशल मीडिया के जरिए सामने आए और ऐलान किया कि भारत अंतरिक्ष में सुपर पावर बन गया है। अंतरिक्ष में ऐसी ताकत रखने वाले देशों में भारत दुनिया का केवल 4वां देश बन गया है। इसलिए ये खुशखबरी देने के लिए सीधा प्रधानमंत्री सामने आए। आज 27 मार्च, कुछ ही समय पूर्व, भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। देश के लिए ये कामयाबी बड़ी है, क्योंकि अंतरिक्ष में धरती से 300 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट को नष्ट किया गया। इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया। तकनीकी नजरिए से ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। प्रधानमंत्री ने इसरो की टीम को भी बधाई दी। सभी DRDO वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण के साथ ही भारत अंतरिक्ष में कहीं ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो गया है, क्योंकि इसके जरिए भारत अंतरिक्ष में किसी भी खतरनाक सैटेलाइट को आसानी से निशाना बना सकता है। अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहे देश के कदमों की वजह से एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारत के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए पिछले कई साल से इस तकनीक पर काम किया जा रहा था। इसरो ने एक एनिमेशन वीडियो के जरिए भी इस तकनीक को समझाने की कोशिश की। BDM इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए सबसे पहले टारगेट को लॉक किया गया, यानी उस सैटेलाइट को चुना गया जिसे निशाना बनाया जाना था। फिर इंटरसेप्टर मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने के लिए अंतरिक्ष में भेज दी गई। महज 3 मिनट में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मिसाइल उसी सैटेलाइट की कक्षा में पहुंच गई जिसे निशाना बनाया जाना था। अगले ही पल इंटरसेप्टर मिसाइल ने अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया। इस तरह के ऑपरेशन के लिए तकनीकी तौर पर 3 चीजें अहम हैं। पहली, सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को पहचानने की क्षमता। दूसरी, एक गाइडेड मिसाइल, यानी एक ऐसी मिसाइल जिसका निशाना अचूक हो। और तीसरी, किसी लक्ष्य को भेदने की ताकत। देश की स्पेस एजेंसी इसरो के पास इन तीनों की ही कमी नहीं है, इसीलिए इस परीक्षण के साथ ही भारत अंतरिक्ष में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया। लेकिन भारत के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण केवल एक परीक्षण नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ रहे देश की एक बड़ी जरूरत भी है, क्योंकि अंतरिक्ष में भारत ने कदम तेजी से बढ़ाए हैं।
अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजकर भारत अब केवल अपनी ही जरूरतें पूरी नहीं कर रहा बल्कि दुनिया के बाकी देशों के लिए भी पेशेवर तौर पर सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा है। उपग्रहों पर बढ़ती यही निर्भरता आने वाले वक्त में देश की कमजोरी भी बन सकती है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजकर कोई भी आपके जीवन से जुड़ी किसी भी अहम जानकारी को चोरी कर सकता है। देश की सुरक्षा तक खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के इंतजाम जरूरी है। स्पेस और सैटेलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है। ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुख्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने वाले देशों में भारत पांचवें नंबर पर है। अमेरिका, रूस, चीन और जापान के बाद भारत ने सबसे ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं। इन देशों में केवल जापान ही ऐसा देश है जिसने एंटी सैटेलाइट तकनीक का परीक्षण नहीं किया है। लेकिन भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाकर भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने के लिए खुद को तैयार किया है। हालांकि अंतरिक्ष में इस तरह के परीक्षण पर दुनिया भर में पहले भी हंगामा हो चुका है। खासतौर पर चीन को दुनिया के बाकी देशों से कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। चीन ने जनवरी 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी। हालांकि दावा यह किया जाता है कि 3 कोशिशें नाकाम होने के बाद चौथी कोशिश में चीन का टेस्ट कामयाब हुआ था। लेकिन दुनिया भर में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी सैटेलाइट को नष्ट करने के बाद ई कचरा और नष्ट हुए सैटेलाइट का मलबा अंतरिक्ष में ही फैल जाता है। ये मलबा अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे सैटेलाइट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन भारत ने ऐसे खतरों को दरकिनार करते हुए लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को निशाना बनाया ताकि किसी दूसरे सैटेलाइट तक मलबा पहुंचने की गुंजाइश न के बराबर। भारत ने 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट को निशाना बनाया जबकि ज्यादातर सैटेलाइट 450 से 1000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद होती। लेकिन भारत ने एक जिम्मेदार मुल्क की तरह यह भी साफ कर दिया कि ये टेस्ट केवल सुरक्षा के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है यह किसी के विरुद्ध नहीं है। दुनिया के सामने भारत ने यह भी साफ कर दिया कि ये टेस्ट किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है। लेकिन इसरो इस तरह का टेस्ट करने की दिशा में 2012 से काम कर रहा था। 2012 में इसरो के चीफ रहे वीके सारस्वत ने बयान दिया था कि अगर सरकार से हरी झंडी मिले तो एंटी मिसाइल तकनीक बनाने के लिए भारत तैयार है। उस वक्त के इसरो चीफ के बयान वाले लेख इंटरनेट पर अब भी मौजूद है। वीके सारस्वत इस कामयाबी को बेहद अहम मानते हैं। विश्व को पता लग गया कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट क्षमता है, हम बराबर हैं आज पूरे देशों से। तकनीक की दुनिया से जुड़े